वेलकम करती हूँ आपको मिस्बा यास्मीन के किचन में। आज हम हमारे किचन में बनाने जा रहे हैं मैक्रोनीस, और आपको नजर तो आ रही होगी मैक्रोनीस है, लेकिन हम इस मैक्रोनीस का क्या बनाने लगे हैं मैं आपको बताती हूँ। क्रिस्पी स्पाइसी कुरकुरे बनाने लगे हैं हम इसके, ठीक है। कुरकुरे मैक्रोनी बनाएंगे। 2 कप मैंने मैक्रोनी ली है, तो अब मैंने पानी बॉयल करने के लिए रख दिया है, मैं इसे बॉयल कर लूँगी। देखिए व्यूअर्स, पानी मैंने रख दिया है और पानी को जोश आएगा, तो जोश आते ही मैं इसमें मैक्रोनी ऐड कर दूंगी। तो जैसे ही हमारी मैक्रोनियाँ हाफ बॉयल हो जाएंगी तो मैं इसे उतार लूँगी। देखिए पानी का जोश आना शुरू हो चुका है, अब हम इसमें मैक्रोनियाँ ऐड कर लेंगे। मैक्रोनी जो है मैंने इसमें ऐड कर दी है। मिक्स कर लेंगे इस तरह, अब इन्हें हाफ बॉयल होने तक छोड़ देंगे। हाफ बॉयल हो जाएंगी तो मैं इन्हें निकाल लूँगी। ये देखिए मैक्रोनियाँ जो है वो हमारी बॉयल हो चुकी हैं, हाफ बॉयल जिस तरह हमने कहा था वैसे ही हो चुकी हैं। तो ये देखिए मैंने एक दफ़ा इस पर पानी अच्छे से ठंडा सा घुमा लिया है इसके ऊपर, और ये अब अच्छे से ठंडी हो चुकी हैं, ठीक है। और अब मैं इसको हमने देखिए इसमें नमी आपको नज़र आ रही है अभी भी है, तो इसको हमने थोड़ा सा और इसकी पानी इसको जो है खुश करना है। करने के बाद इसको हमने एक परात में डाल लेना है, तो इसको थोड़ा सा खुश करके मैं परात में ऐड करती हूँ। ये देखिए मैंने इसको परात में ऐड कर लिया है, खुले से बर्तन में ऐड कर लिया है, ताकि हमें जो मिक्सर का मिक्सर पर लगाना है तो उसके लिए हमारी अच्छी। 2 टेबल मेरे पास मैदा है, मैं वो इसके ऊपर फेंक रही हूँ, तो इसके ऊपर कर रही हूँ। 2 टेबल हमारे पास कॉर्नफ्लावर है, स्टार्च जिसे कहते हैं, वो ऐड कर दिया है। और अब इसे हम जो है ना इसे इस तरह मिक्स कर लेंगे, ताकि जो ये हमारा मिक्सर है उसके साथ ऐड हो जाए, इसके साथ चिपक जाए अच्छे से। ये देखिए इसे हमने इस तरह हम कर लेंगे, ताकि ये देखिए जो जुड़े हुए हैं वो भी साथ से अलग हो जाएंगे। अब इसे हम तकरीबन 2-3 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे, और हम चलते हैं ऑयल गर्म करने की तरफ। ऑयल गर्म करते हैं तो ऐसे हम छान के फ्राई कर लेंगे। ऑयल जो है वो देखिए गर्म हो चुका है, हमारा पैन हमने वो चढ़ा दिया खुले पे, तो अब हम चेक करेंगे हमारा ऑयल गर्म हुआ है या नहीं। तो आप देख सकते हैं अभी हमारा फुल गर्म नहीं हुआ, तो जब ये सही गर्म हो जाएगा तो हम इसमें मैक्रोनियाँ जो है वो इसमें फ्राई कर लेंगे। ये देखिए अब मैं इसे इसमें डाल दूंगी इस तरह। और अब हम इसमें चमचा नहीं चलाना, 30 सेकंड के लिए हम इसमें चम्मच नहीं ऐड करेंगे। थोड़ा सा ये सेट हो जाए तो हम इसमें चम्मच या मतलब चमचे थमचे हिला लेंगे जी। ये देखिए अब लाइट गोल्डन तक करना है, ताकि लाइट गोल्डन फ्राई हो जाए। आप देख सकते हैं कि सवाल हो चुका है और उसका ये स्टेप हमारी ब्राउन की तरह चल कर लाइट ऑन होते हैं, हमें निकाल के हम अपना दूसरा जो मिक्सर वो दोबारा की तरह फ्राई कर लेंगे। ये आप देख सकते हैं इनका कलर तरीके से मैंने ये देखिए इसी तरह हम बाकी भी फ्राई कर लेंगे। चमचा वही 30 सेकंड बाद हमें इस पे चलाना है।
जो पहले फ्राई हो चुकी हैं वो ये देखिए, इसी तरह मैंने इन्हें इस एक बाउल में निकाल लिया है। जो ज़बरदस्त कलर आ चुका है, इस तरह आप सारे फ्राई कर लेंगे। ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त तैयार हो चुके हैं। मैं आपको इसकी आवाज़ सुनाती हूँ, कितने ही ज़बरदस्त और कितने ही ज़बरदस्त क्रंची तैयार हो चुके हैं। तो अब इसे स्पाइसी बनाने के लिए हमने इसमें क्या क्या ऐड करना है मैं आपको बता दूँगी। यहाँ पे हम हाफ टी स्पून रेड चिली पाउडर ऐड कर लेंगे और हाफ टी स्पून हम इसमें नमक ऐड कर लेंगे, ठीक है। और इसमें हम चाट मसाला ऐड कर लेंगे, ठीक है। शान का चाट मसाला है वो ऐड कर लेंगे। आपको जितना स्पाइसी चाहिए आप अपना रखे कर सकते। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे, अगर आपके पास तंदूरी मसाला है तो वो ऐड कर लें, या तो फिर आप इसमें चुटकी भर गरम मसाला ऐड कर, ठीक है। ये सारे ऐड कर लेंगे और अब हम इसे मिक्स कर लेंगे। इस तरीके से हमने इसे मिक्स कर लेना है, ठीक है। डिश आप मुझे दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे स्पाइसी मैक्रोनी कुरकुरे जो हैं वो तैयार हो चुके हैं। आप देख सकते हैं बहुत ही मज़ेदार हैं, बहुत ही ज़बरदस्त झटपट बनने वाली रेसिपी थी। मैंने आपका शेयर किया, आप भी मेरे साथ शेयर कीजिए, घर में बनाएं और सबको खिलाएं और कमेंट्स में मुझे बताएं कि आप लोगों को मेरी रेसिपी कैसी लगी। जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया मुझे सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन का बटन है उसे प्रेस कर दें ताकि मेरी न्यू आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। मुझे इजाज़त दीजिए, अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।